सरों का। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आज तीसरे चरण का चुनाव हो रहा है यूपी में। 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पे सुबह से मतदान चल रहा है और अब 5 बजे तक के आंकड़े भी सामने आ गए हैं। शाम 5 बजे तक कुल मतदान 57.25% हुआ है। झांसी में 57.71% मतदान हुआ 5 बजे तक। जालौन में 53.84%, फरुखाबाद 60.34% मतदान 5 बजे तक संपन्न हुआ। हमीरपुर में 58.05%, महोबा में 61.43% मतदान 5 बजे तक संपन्न। कासगंज में 5 बजे तक 59% मतदान संपन्न। कन्नौज में 60.21% मतदान संपन्न। एटा में 5 बजे तक 63.58% मतदान संपन्न। शाम 5 बजे तक कुल मतदान 57% से ऊपर। झांसी में 5 बजे तक 57.71% मतदान संपन्न हुआ। जालौर में 53.84, फरुखाबाद 60.34%, हमीरपुर में 5 बजे तक 58.05% वोटिंग संपन्न। महोबा में 61.43% मतदान हुआ संपन्न। कासगंज में 59.18% मतदान। कन्नौज में 60.28% वोटिंग 5 बजे तक। एटा में 63.58% संपन्न हुआ मतदान। फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज, हाथरस, कानपुर, कानपुर देहात और अय्या, फरुखाबाद, सभी के आंकड़े आपके स्क्रीन पर है। 5 बजे तक मतदान संपन्न हो गया है। फिरोजाबाद में 57.35% मतदान हो चुका है। इटावा में 58.33% मतदान हो चुका है। ललितपुर में 67.50% मतदान हुआ है। झांसी में 57.71% वोट डाले जा चुके हैं 5 बजे तक। मैनपुरी 60.82%, हाथरस 57.61% और अय्या 58.67% मतदान संपन्न। एटा में 63.58%, कानपुर 53.42%, फरुखाबाद 60.43%, 57.25% मतदान संपन्न हो चुके हैं कुल 5 बजे तक। 5 बजे तक के ये आंकड़े हैं। यहाँ 57.25% मतदान संपन्न हो चुके हैं। आपकी स्क्रीन पर सभी 16 जिलों के आंकड़े हैं जहां पे 5 बजे तक मतदान संपन्न हो गए हैं। 59 विधानसभा सीटों पे मतदान चल रहा है। 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा। 5 बजे तक के आंकड़े सामने आ गए हैं और 6 बजे तक मतदान की समय अवधि है। अब 5 बजे का ये आंकड़ा सामने आ चुका है और 6 बजे तक जो भी मतदाता मतदान केंद्रों पर होंगे उन्हें मतदान की अनुमति होगी। कन्नौज, फिरोजाबाद, कासगंज, कानपुर देहात, मैनपुरी, हाथरस, औरैया, एटा, कानपुर, फरुखाबाद, सभी जगह के आंकड़े सामने आ चुके हैं। फिरोजाबाद 57.35, कासगंज 59.18, कानपुर देहात 59.11, मैनपुरी 60.82, झांसी 57.71, हमीरपुर 58.05%, जालौन 53.84%, महोबा 61.43%, कन्नौज 60.28%, इटावा 58.33%, मैनपुरी 60.82%, हाथरस 57.61% और अय्या 58.67% मतदान संपन्न हुए 5 बजे तक। तो यूपी में तीसरे चरण का मतदान चल रहा है जहां पे 59 विधानसभा में 627 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे। 5 बजे तक 57.25% मतदान हो चुका है। तो कई जगह ऐसी भी रही जहां पे मतदान बाधित रहा कुछ समय के लिए ईवीएम मशीन खराब होने की वजह से, लेकिन उन्हें ठीक कर लिया गया है। 6 बजे तक का समय है मतदान केंद्रों पर पहुंचने का, अपने मत का प्रयोग करने का और सभी व्यवस्थाएं जहाँ चौबंद देखने को मिल रही है, विशेष सुरक्षा व्यवस्था हो, कोरोना के मद्देनजर व्यवस्था देखने को मिल रही हो, मतदाता भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और महोबा से हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं दिलीप वाजपेयी। दिलीप, क्या कुछ देखने को मिल रहा है इस वक्त मतदान केंद्रों पे? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि फिलहाल जो 5 बजे तक करीब 61% से अधिक वोटिंग ओवरऑल पूरे जिले में हो चुकी है और जिसमें महोबा सदर विधानसभा में 61.59% और चरखारी विधानसभा में ही इतनी ही मतदान हुआ है 61.48%। जी जी, इस वक्त कितना उत्साह देखने को मिल रहा है मतदाताओं में? क्या अभी भी लगातार मतदान केंद्रों पर लोगों का जो हुजूम है
उमड़ा हुआ है और सुबह से हम लगातार प्राइम टीवी के माध्यम से लोगों से बात कर रहे हैं, लगातार लोगों को ये बता रहे हैं कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार वास्तव में महोबा जिले की जनता मतदान का रिकॉर्ड बनाने जा रही है। जो लगातार लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है बूथ पर, अभी भी कई बूथों पर लगातार लोगों का जो जमावड़ा है, भारी संख्या में लोग हैं, तो ये करीब 65% से ऊपर जाने की अभी उम्मीद जताई जा रही है। जी जी, इस वक्त कौन कौन से मतदाता इस वक्त मौजूद है मतदान केंद्रों पे, जो सुबह से नहीं आ पाए, जो शाम के वक्त मतदान के लिए पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, जो आमतौर पर जो किसान है, खेतों में जो काम करने सुबह से निकल जाते हैं वो, और उसके अलावा जो महिलाएं घरों में काम कर रही थी, हालांकि महिलाओं की संख्या सुबह सुबह भी देखने को मिली, दोपहर में जरूर लोगों का आना जाना कुछ मतदान केंद्रों पर सन्नाटा रहा, लेकिन जैसे ही शाम का समय हुआ तो किसान खेत से लौटा, जो घर के काम काज में जी महिलाएं थी वो भी समय निकालकर मतदान केंद्रों पर लगातार पहुंच रही हैं। जी दिलीप, 61.43% 5 बजे तक का मतदान का जो आंकड़ा सामने आया, क्या लगता है 6 बजे तक कुछ बढ़ेगा, और पिछली बार से कितना अलग है इस बार का मतदान का आंकड़ा? जी बिल्कुल, इस बार जो सुबह से ही लगातार मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला था, और करीब करीब अगर जिस प्रकार से मतदान केंद्रों पर अभी भी लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, तो जो लोग अभी 6 बजे तक बूथ के अंदर हो जाएंगे उनके वोट डलवा के ही मतदान प्रक्रिया खत्म होगी, तो ये कम से कम 65% के ऊपर जाने की उम्मीद जताई जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। बने रहिए खबरों के साथ और अपडेट देते रहिए दिलीप। इस खबर पर मैं दिलीप बाजपेयी जुड़े थे महोबा से। तो महोबा में 61.43% मतदान हुआ है, अच्छा खासा वोट परसेंटेज जा रहा है महोबा का। तो सभी जिलों में अभी भी मतदान चल रहा है, 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा। हम भी अपील करते हैं कि मतदान केंद्रों पर जाके अपने मत का प्रयोग करें, जिन्होंने भी अभी तक मतदान नहीं किया या रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।